हे गाइज, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी गाइज। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज, मेरा ब्लॉग वही सुबह की रूटीन है, जो मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन होती है बच्चों के लंच के से, वही मेरी रूटीन आज फिर से स्टार्ट हुई है और वही लंच की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आप लोग ज़रूर ही कमेंट करिएगा और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। गाइज, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और गाइज, ब्लॉग में आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगता है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, और जो नहीं भी अच्छे लगते हैं वो भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने ब्लॉग में उसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगी। जो आप लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं या फिर मुझे भी उसमें अगर सुधार करने की कोई ज़रूरत होगी तो मैं उसमें भी सुधार करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पर ये मेरी परवल की भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इस तरीके से बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे गाइज। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in. अरे नाम बाय सुना, गाइज। अब तो आजकल बेल बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद बेल फिर से मिले थे, तो मैंने मॉर्निंग में वही शरबत बनाए हुए थे। और बेल के शरबत बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं बेल के शरबत, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को किन किन को अच्छे लगते हैं कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. और यहाँ पे सोना अपना सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रही है, और इसको इस तरीके से जल देना, पूजा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इससे अच्छा भी लगता है, इसे बहुत ज़्यादा इसको खुशी मिलती है। बच्चे की खुशी में मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे भी अच्छे लगते हैं इस तरीके से। जब ये पूजा पाठ वगैरह करती है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे में इस तरीके के गुण होने ही चाहिए, छोटे से ही जब बच्चे सीखते हैं कुछ कुछ तो अच्छे बड़े होकर के भी वो अपने रूटीन लाइफ में कुछ पॉजिटिव करने के लिए अच्छे ही प्रेरित होते रहते हैं। इस तरीके से इसको पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइज।
हेलो, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। शेयर भी करिएगा। वेरी गुड। आई एम हैप्पी। हैप्पी। और यहाँ पे गाइस इवनिंग को शाम को मटन आए हुए थे, तो मैं मटन की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मैंने अपने ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में भी मटन की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी, फिर से मैं आप लोगों से मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मटन किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मटन जिस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से जिस तरीके से मैं मटन बनाती हूँ, मेरे मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ऐसे तो मटन मैं कितने तरह से बना लेती हूँ, और जो अभी मैं बना रही हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, और यहाँ पे फ़ौरन में मैंने तेज पत्ते, सूखी लाल मिर्च और दो छोटे इलायची और वही जीरा वगैरह सब चीज़ का फ़ौरन दे करके यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह का फ़ौरन दे दिए हैं। और इसको अब हल्का ब्राउन होने तक के लिए इसको ऐसी तरीके से चलाते हुए अब इसको मैं चलाऊंगी और इसको प्याज को भूनूंगी। और यहाँ पे मटन को मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश करके इसको मैरिनेट होने के लिए मैंने मसाला वगैरह में बहुत अच्छे से इसको दही मसाले, जो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर वो जो होते हैं, इस तरीके से डाल करके उसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे पहले से ही छोड़ दिए हुए थे। अगर मटन को इस तरीके से मसाले में मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए तो वो मटन बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से प्याज को भुनने के बाद मैंने यहाँ पे ये एक बड़े साइज़ के टमाटर थे उसको चॉप करके इसमें डाले हैं, और इसको भी अच्छे से भुनेंगे। और इस जो प्याज है ये लाल होने तक, हल्का लाल होने तक इसको वो अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं मटन डालूंगी। और मेरी मटन बहुत ही ज़्यादा गाइस टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए मटन इस तरीके से अब इसमें मैं डाल करके इसको भी अच्छे से भूनूंगी, और थोड़ा मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनने रहते हैं। कम से कम 1 घंटे के करीब में मैं मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से मटन को भूनती हूँ। और ये भूनते भूनते ही गाइज ये पक जाते हैं, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रेवी के लिए भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको सीटी लगाती हूँ। ऐसे इसको इस प्रोसेस के अनुसार मैं इसको हल्का लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरीके से ढक ढक करके भूनती हूँ, और मेरे मटन बहुत ही ज़्यादा गाइस टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए, आपके भी मटन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, यमी बनेंगे। आप लोग भी बिलीव करिए, इस तरीके से बनाइए, आपके भी मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. और यहाँ पे मटन अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाने के बाद इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करती हूँ। ऐसे तो ये मटन भूनते भूनते ही बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अगर ग्रेवी चाहिए तो आप लोग भी इस तरीके से गर्म पानी इसमें ऐड करके ग्रेवी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी ये जो मटन भुने हुए भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसको
हल्का एक सीटी के लिए इसका ढक्कन भी मैं लगा दूंगी, और ढक्कन लगाने के बाद में इसको एक सीटी ही देना है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं गर्म मसाले ऐड कर रही हूँ, और ढक्कन जब अपने आप इसका गैस निकल जाए, भाप जब इसके ढक्कन का प्रेशर जब निकल जाए, तो उसके बाद में ढक्कन को हटा करके मैं मटन आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरे मटन कितने टेस्टी बने थे। ये दिखने में टेस्टी नहीं, वाकई में खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट शेयर भी जरूर करिए। और यहाँ पे देखिए, प्रेशर निकलने के बाद, एक सीटी लगने के बाद, प्रेशर निकलने के बाद मैं यहाँ पे ढक्कन हटा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मेरे मटन कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और गाइज, इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए फिर से मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर गाइज, बाय बाय।